ये दोबारा चल गया, तो आप देख सकते हो। चारों साइड से देख सकते हो उसको, कोई तार नहीं लगी है। इंजीनियर ऑफ इंडिया गाइस, माय नेम इज निकित। ये हमारे पास 18650 की बैटरी है, इससे हम बनाएंगे स्टीम इंजन। तो ये हमारी ये बैटरी ख़राब हो चुकी है, ओके। ये ख़राब बैटरी का यूज कर रहे हैं और इसका ये हमें क्या करना है, इसके ऊपर का ये पूरा पोर्शन हटा देना है, प्लास्टिक। ये प्लास्टिक हमें पूरा अच्छे से हटा देना है। उसके बाद ये जो हमारा इसका ऊपर का हिस्सा है, इसको हम कट कर लेंगे। इसके अंदर का जो लिथियम निकालने के लिए हमने इसको कट कर लिया है, इसको कुछ इस टाइप का बना दिया है। अब इसमें एक मार्क करते हैं जिसमें हम इस पिस्टन को हवा देंगे जो इंजन का होता है। तो हम इसमें एक मार्क कर लेते हैं इस पर, और ड्रिल मशीन की सहायता से सुराख करते हैं। आप किसी बड़े की सहायता ले सकते हो इसको सुराख करने के लिए, देखना कहीं आपके हाथ में ना लग जाए। तो ये हमने सुराख कर रहा है ड्रिल मशीन से, तो ये हमारा ये सुराख पूरा हो गया है कुछ इस टाइप का। अब इसकी हमको पिस्टन बनानी है जो इसमें चलेगी एयर से, ओके। ये हमारी पिस्टन बनानी है, और इसके बाद दो पीवीसी का पाइप लेना है, उसकी सीट बना ले ली है। सीट कुछ इस टाइप की रहेगी। आप इस पर अपना पिस्टन रख के, जो हमारे स्टीम इंजन का पिस्टन रहेगा, इसको रख के मार्क कर लेंगे इसका। इसको इसलिए मार्क कर रहे हैं, इसमें दो सुराख के लिए मार्क कर रहे हैं हम, एयर के लिए, इसके अंदर एयर जाएगी। तो आप वीडियो में देख बने रहिए, आपको पूरा वीडियो प्रॉपर समझाएंगे। हम इसमें सुराख कर लेते हैं दोनों साइड। तो जिस तरीके से मैं सुराख कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी सुराख कर लेना, वो इजीली सुराख हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये पीवीसी है, मेटल नहीं है। पीवीसी बहुत मजबूत होता है, और ऐसे ही हमने इसमें भी सुराख कर लिए। अब इसमें हमने एक बोल्ट लगा दिया है, ओके गाइस। इसमें एक बोल्ट लगा दिया इसलिए क्योंकि इस पर यहाँ पर ज्वाइंट होगा, और ये जो बीच वाला छेद है ये सबसे हर छेद में जाएगा। देखो इधर से भी और इधर से भी, जब ये इंजन ऊपर नीचे होगा उस टाइप से ये चलेगा। तो आपको भी सेम ऐसे ही बना लेना है। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है जो मैंने बताया था, इसका जो छेद है इस छेद से बिल्कुल मिला के, ओके, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ ये मिल गया, इसके मिल गया था, इसको मिला के हमने एलपी से इसको चिपका लिया पूरा अच्छे से। गाइस इसको एलपी से ही चिपकाना ज़रूरी नहीं है। अब इसको हम इस पर एरोलाइट लगाएंगे, हमने एरोलाइट बना के रखा है क्योंकि एलपी कुछ टाइम बाद ही निकल जाएगी, क्योंकि इस पर बहुत प्रेशर बढ़ेगा। तो हम एरोलाइट से इसको चिपकाएंगे, तो हम चारों साइड इस पर एरोलाइट लगाते हैं। अच्छे से लगाना है गाइस, एरोलाइट लगा के अच्छे से, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, चारों साइड से आप कवर कर देना इसको एरोलाइट से, ओके गाइस। ये कुछ इस टाइप का हो गया सूख के, एरोलाइट इतना टाइट हो जाता है, 6 से 7 घंटे लेता है गाइस ये सूखने के लिए। ये कुछ इस टाइप का हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो ये पेच लगाए थे इसमें एक स्प्रिंग लगाएंगे, इसलिए क्योंकि इस पर झटके लगेंगे तो हमारा ये स्प्रिंग इसको संभाले रहेगा और थोड़ी गेपिंग बना के रखेगा, इंजन को फ्री रखेगा, टाइट नहीं रखेगा। इसके बाद ये हमारे पास पेन है, हमने पेन यूज करा है, इसका पेन का आधा हिस्सा काट के हमें इसकी पाइप के लिए एयर के लिए लगा देना है। तो इस पर हम एलपी लगाएंगे सुपर ग्लू, और इसको सेंटर में, इसके बिल्कुल सेम सेंटर में हल्की सी जगह देके इसको चिपका देंगे, जिस तरीके से मैंने चिपकाया उस तरीके से आप भी चिपका सकते हो, ओके। तो ये हमारा ये कुछ इस टाइप का काम करेगा। एक बार सारे पार्ट आप चेक कर लेना, ये कुछ इस टाइप से चलेगा। तो हमारी ये एलपी से सुपर ग्लू से चिपक चुका है। ये जो हमारा पिस्टन है एक बार इसको भी चेक करेंगे लगा के, ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हमको एक लकड़ी का फट्टा चाहिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मेरे पर लकड़ी का एक फट्टा था। तो इस पर हम लगाएंगे एक कोने में, ओके गाइस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ग्लू की सहायता से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जोड़ देंगे, बिल्कुल अच्छे से इसको चिपका देंगे ग्लू की सहायता से, कि अपनी जगह से ये निकले ना। तो हमने ये लगा दिया है, ये कुछ टाइम बाद दोबारा टाइट हो गया। तो ये हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारा पाइप, ये पाइप बनाई है हमने, एक तरीके की सापड़ बनाई है,
आपके जो हमने पेन यूज करा था ना, उस पेन से हमने सापड़ बनाई थी, इसी के पिस्टन का हत्ता बना दिए इससे हम पिस्टन का। तो क्या करेंगे, इस पेन को कुछ इस टाइप से डाल लेंगे, और जो आगे का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये मैंने इसको हीट करके दो लकड़ी की सहायता से इसको दबा दिया था, तो ये कुछ इस टाइप का बन गया। तो ये हमारा पिस्टन भी अच्छे से तैयार हो गया है। ओके देखो गाइस, ऐसे वर्क करेगा ये कुछ। और इसके बाद हमें ये दो बेरिंग ले लेनी है, एक लकड़ी पे कस के, और एक सापड़ ले लेनी है। आप किसी भी टाइप की सापड़ ले सकते हो, मैंने हल्की पतली सापड़ ली है क्योंकि हमारे पास छोटी बेरिंग थी और हमारा इंजन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमको छोटी बेरिंग ही लगानी थी इसमें। तो इसको भी हम ग्लू की सहायता से अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे और इसको लगा देंगे इसकी जगह पे। आप गाइस इसका सेंटर देख लेना। ओके इसको हम सेंटर पे लगा देंगे और अच्छे से ग्लू कर देंगे चारों साइड से, क्योंकि यहीं पे हमारा व्हील घूमेगा। जिस तरीके का व्हील लगाएंगे इस तरीके से यहीं पे घूमेगा। ओके गाइस ये देखो कुछ इस टाइप से ही चलेगा, आपको हमेशा दिखा रहा हूँ मैं, आपको हमारे समझ समझ आता रहे। हमने ये पाइप लगा के कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे एक गोला प्रकार का वो लगा लिया कि हमारी सापड़ पूरी ना निकल जाए, गोला प्रकार तोड़ के हमने लगा लिया है। ये हमने पीवीसी के पाइप से ये हमने गरारी बनाई है इसकी, जिसमें हमारा इंजन का सापड़ जुड़ेगा। ओके ये हमने लगा दिया है। तो ये हमने एक सुराख करा रखा था इसमें, और पिस्टन में भी सुराख कर रखा था। इसको पेंच की सहायता से टाइट कर देना है, इतना टाइट नहीं करना गाइस, ये घूमता रहे इतना टाइट करना है। ओके ये अपनी जगह से निकले ना, तो हमने ये इसको ऐसे टाइट कर लिया है। और देखो गाइस ये कुछ इस टाइप से चलेगा। ओके ये कुछ इस टाइप से चलेगा, आपको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ मैं। अभी हमारे पास एक लकड़ी का हिस्सा पड़ा था, तो ये लकड़ी का हिस्सा लगाएंगे इसी प्लाई बोर्ड में से जो हमने यूज करा था, उसमें से हमारा कुछ हिस्सा बच गया था। तो हमने चक्के की जगह ये लगा दिया, साफ्ट की जगह ये लगा दिया, कोई गोल सी एक सापट होती है, तो इससे भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो एक बार इसको हम चेक, तो ये हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है। ओके कुछ इस टाइप का चलेगा ये इंजन, दिखा सकता हूँ। तो हम इसको कंप्रेसर से हवा दे रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप का चल रहा है। तो इसको एक बार बंद करेंगे, दोबारा चालू करेंगे। ओके इसको बंद कर दिए, अब इसको दोबारा चालू करेंगे यहीं से, एक बार घुमाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो किस टाइप से और कितना बढ़िया चल रहा है ये इंजन। तो आप देख सकते हो ये किस टाइप से चला है, और ये बंद निकाल देता हूँ। तो ये अभी इस समय बंद हो चुका है। ओके तो इसको हम दोबारा एक बार चला के दिखाएंगे यहीं से। दोबारा चल गया, तो आप देख सकते हो। चारों साइड से देख सकते हो उसको, कोई तार नहीं लगी है, कोई कुछ नहीं लगा है, बहुत क्लियर और रियल वीडियो भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।